देश की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है। दुनिया में जहां भी लोग उत्पीड़ित हुए और जहां से भी लोग हिंदुस्तान में आए, ऐतिहासिक काल से हम उसको संरक्षण दिया, रहने की अनुमति दी और अपनाया। यहूदी 2000 साल पहले अपने देश से विताड़ित हुए, दुनिया में घूमते घूमते हिंदुस्तान आए, हम उनको जगा दिया, आज हमारे देश के, हमारे समाज के एक भाग है और यहाँ रह रहे हैं। पारसिकों को ऐसा ही हुआ, पारस में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ और विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, हम उनको रहने दिए। लामाओं को तिब्बत से निकाला गया, आज भी पूज्य दलाई लामा उनका राज चला रहे हैं शिमला में, धर्मशाला में, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृहमंत्री ने इस बिल को सामने लाया है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से, इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया, मैं बंगाल से आता हूँ, बंगाल के आधा से भी ज्यादा आबादी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और ये जो समस्या आज बिल आना पड़ा, ये कानून बनाया जा रहा, इसका जड़ देश का विभाजन में है। देश का विभाजन नहीं होता तो ना तो विस्थापित होते, ना तो शरणार्थी होते, ना तो नागरिकता बिल की संशोधन करनी पड़ती। इसलिए महोदया, इस विभाजन के जो लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस कांग्रेस आज मना कर रहे हैं। अरे कांग्रेस को क्या कमाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया, एक देश को तीन बना दिया, आज बोलते हम कुछ नहीं जानते। और कम्युनिस्ट बंधुओं ने महोदया 2004 में वेस्ट बंगाल में 42 में से 36 एमपी लेफ्टिस्ट का आता था, आज नमूना के तौर पर भी एक नहीं आया, सैंपल भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बंगाली हिंदू उद्वासियों के साथ इन्होंने इस प्रकार राजनीति की, इसे उनको सजा मिली। और बंगला में कविता पढ़ा गया, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, उस समय पॉपुलर स्लोगन था, ज्योति बहुआ सुराबोदी धर्मतला में शहीद मीनार में झंडा लगा करके सभा की ज्वाइंटली, मुस्लिम और कम्युनिस्ट नारा किया था, पाकिस्तान मानते हो तो वही भारत स्वाधीन हो, पहले पाकिस्तान मानो फिर भारत का आजादी मांगो, ये उनकी नारा थी। और लोगों ने उनका इस प्रकार साझा दिया, जो कांग्रेस देश का विभाजन करके 2.5 करोड़ हिंदू बंगाली को उद्वास्तु बनाया, उनका एक समय सारा के सारा एमपी था, पिछले बार 4 था, आप 2 में आ गए, 50% डिस्काउंट। और जो टीएमसी आज राज कर रही है, एनआरसी की बात कर रही है, उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर नारा लगाई थी 42 में 42, मैंने बोला था 19 में हाफ और 21 में साफ, हमने 18 लिया, हाफ कर दिया, अगले बार साफ कर देंगे, ये भी देख के रखिए आप। और लोगों के साथ जो किया जाती, दो नंबरी किया, उसका परिणाम है आज। मित्रों, माननीय गृहमंत्री जी बोल रहे तो उनका दयनीय हालत मैं आपको बताऊं, मैं भी बचपन से इन परिवारों से जाता हूं, मैं अंडमान जाके देखा, मैं अंडमान में 8.5 साल रहा, वहां लाखों रिफ्यूजी है, वहां सबसे बड़ी संख्या है, जंगलों में रह रहे हैं, कीड़ा मकोड़े मच्छरों के साथ, झोंक के साथ कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, आपको दया आएगा। ये जो हमारे मतुआ संप्रदाय के मित्रों, उनके प्रतिनिधि शांतनु ठाकुर आया है, पूरा समुदाय आज बीजेपी के साथ, क्यों, हम उनके पक्ष में है, उनके नागरिकता की बात करते रहे। इन पार्टियों ने आज सबसे विरोध करें इस बिल का, जो आज तक पिछले 70 साल से इन लोगों का वोट लिए, राज किए, कांग्रेस किया, टीएमसी किया, सीपीएम कर रही है, सीपीएम किया और टीएमसी कर रही है, उनको वोटर बना के रखा, उनको नागरिकता नहीं दी, उनकी आज हम नागरिकता देने जा रहे हैं, जो हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। मेरे पास उनका अंतिम भाषण है, जिस दिन उन्होंने यहां से 1950 में इस संसद से उन्होंने पदत्याग किया था, नेहरू लियाकत चुक्ति का पूरा लागू नहीं हुआ, बंगाली हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, इसका विरोध में, और 19 अप्रैल 1950 में तब जनसंघ का स्थापना नहीं किया था उन्होंने, और जिंदगी भर उद्वासियों रिफ्यूजियों का सेवा किया उन्होंने, देश का अखंडता बलिदान दिया कश्मीर में जाकर के, बंगाल का उनको जनक बोला जाता है। आज जो पश्चिम बंगाल में हम रह रहे हैं बंगाली, 9.5 करोड़ बंगाली, वो श्यामा प्रसाद का दान है, और जिन लोगों ने उस पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए साजिश बना रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। थोड़ी देर पहले माननीय नहीं है अधीर बाबू कविता पढ़ रहे थे बंगला में, मैं बोले अधीर बाबू ये बंगला में एक कविता अगर बांग्लादेश में पढ़ लेते ना, उनके पूर्वज भी बांग्लादेश से आए थे, पूछो अपने पूर्वजों को क्यों रात को घर में लंटन जला कर भाग भाग के आना पड़ा, माँ बहनों की इज्जत बनाने के लिए, मचाने के लिए, क्यों रात को रेडियो चला करके आपको भागना पड़ा, अपना देश छोड़कर माँ बहनों की इज्जत, अपना धर्म बचाने के लिए, यहाँ भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, उधर से आए हुए, भूल गए, एक एक परिवार का कहानी है मैडम,
एक एक परिवार का एक एक कहानी है किस प्रकार बीता उनके ऊपर। आज भी चलिए आप रेल के पटरी के पास में लाखों परिवार रह रहे हैं पशु पक्षियों की तरह, पानी के ऊपर बम्बू का माचा बना करके रह रहे हैं सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी। इन पार्टियों ने जो आज विरोधिता कर रहे हैं नागरिकता का, एक दिन भी आवाज नहीं उठाई कि इस हिंदू बंगालियों को नागरिकता दिया जाए। यहाँ कभी नहीं उठाया कोई पार्लियामेंट में कि दिया जाए। एक ममता बनर्जी जी एनआरसी के लेकर रास्ता में दौड़ रही है, पसीना पसीना हो गई है, क्यों? वोट बैंक जा रही है। एक बार अगर कलकत्ता में चल के बोलते कि 2 करोड़ हिंदू बंगाली को सिटीजनशिप दिया जाए तो मानते आप सच में बंगाली का तरफदारी करते हैं। अभी उनके भतीजा यहाँ से बोल रहे थे इंडिया इंडिया, कौन सी इंडिया? जिस इंडिया बंगाल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसको बाहरी बोला जाता है। हमारे माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी आते हैं उनको हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिलता मैदान का प्रोग्राम करने के लिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर योगी महाराज जाते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर उतरने के लिए परमिशन नहीं है। ये कौन सा इंडिया भाई? ये तो पश्चिम पाकिस्तान हो गया है, ये तो पश्चिम बांग्लादेश हो गया है, ये इंडिया है? और हमको इंडिया का कहानी सुना रहे हैं आप इंडिया की बात करते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर के लिए ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। बीजेपी का कोई नेता मंत्री जाएंगे उनको परमिशन नहीं है। माननीय जोगी जी झारखंड में उतरे महोदया, वहां से 40 किलोमीटर गाड़ी में जाके जनसभा के पुरुलिया में, ये इंडिया की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए महोदया। ये जो बीता है हमारे समाज के साथ आज उसका सुधार रहे हैं हम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन का जो सपना था उसको पूरा करने जा रहे हैं। उनके योग्य उत्तर सूरी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री ने जो बिल लाया है हम इसको मदद करते हैं। और महोदया बंगाल में ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, 70 साल तो उनको वोटर बना के रखा, उनका वोट लिए राज किए और बंगाल को लूटते गए, और आज उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। बार बार रिफ्यूजी लोग कलकत्ता में सभा किए, इनके नेता जाकर वहां भाषण दिए लेकिन किसी ने नहीं बोला कि हम आपका सिटीजनशिप देंगे, नहीं बोला। तब आज वो लोग हमारे साथ हैं, तब ये जो पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है उसका परिणाम है आज बीजेपी 2 से 18 में पहुंची है। 2 करोड़ 30 लाख लोग हमको वोट दिया है, केवल 17 लाख आगे हैं वो लोग, अगले चुनाव हम उसको पार करेंगे। क्यों? हमने हमारे प्रतिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन रिफ्यूजी के साथ से उनके हित के लिए यहां से मंत्रित्व छोड़कर उन्होंने गए। वो जिंदगी में 2 बार मंत्रिमंडल से पद तक किया, इसी कारण से एक बार बंगाल का मंत्रिमंडल उसके अंग्रेज के जमाने में असेंबली से, दोबारा यहां की मंत्रिमंडल जो पहली मंत्रिमंडल पंडित नेहरू का था वहां से उन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू बंगाली रिफ्यूजीज। उनके हित के लिए सत्ता को लात मार के उन्होंने गए बंगाली रिफ्यूजी के लिए। आज हमारी सरकार उनके सच में उनके जो आज नुमाइंदे उनके जो उत्तर सूरी है उन्होंने उनका सपनों को सफल कर रहे हैं। इस बिल को मुझे लगता है कि जिस प्रकार सरकार नारा लगाया सबका साथ सबका विश्वास विकास सबका विश्वास, इसे सबका समर्थन बिल के चाहिए तो देश आगे बढ़ेगा और सच में जो रिफ्यूजी उनको जस्टिस मिलेगा। धन्यवाद।